हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेस में। तो देखिए, अपनी लक्ष्य सीरीज चल रही थी और लक्ष्य में अपने मैथ और रीजनिंग में तीनों के अंदर तीन तीन मॉक टेस्ट लगा लिए। अब देख रहे होंगे, आप भी आपका स्कोर चेक कर रहे होंगे कि भाई तीनों के अंदर मेरा कितना बैठ रहा है, या फिर क्वेश्चनों को किस टाइप से सोल्व किया जा रहा है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं अपने चौथे मॉक टेस्ट पर, मैथ वाले पर। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है कि भाई एक कार 48 किलोमीटर पर हावर की गति से 3 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, अब चाल अपने को क्या दे रखी है, 48 48 किलोमीटर पर हावर इंटू 3 घंटे 15 मिनट को अपन कैसे लिखते हैं, 15/60, 15 × 15, 15 × 60, तो क्या आ गया, 48 इंटू 3 × 3 = 12 और 1 = 13। भाई ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 3/4। ठीक है, अब क्या आएगा, 4 से काट दो 12 से, तो 12 × 36, 6 × 12 = 3 = 15, 156 किलोमीटर। तो कौन सा है अपना आंसर, 156। ठीक है, अब ये समझ में, चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए, अपना सेकंड क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ए अकेले काम शुरू करता है कितने दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। देखिए, शुरू में काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है, और बी तो बाद में आ रहा है ना, बी कितने दिन बाद जुड़ेगी काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ए कितना है, ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 18 × 54 = 18 × 72 और 24 × 72। ठीक है, कितना आ गया, 4 × 3 = 7। अब देखिए भाई, बी तो, ए तो है ना जो शुरू से अंत तक रहेगा, तो ए से अपना काम करवा लो, एक दिन में कितना करता है, 4, तो 15 दिन में करें कितना करेगा, 15 × 60 ए द्वारा। ठीक है, तो बी द्वारा कितना होगा भाई, 60 काम ए ने कर दिया, उसके बाद बी आ रहा है, तो क्या आएगा, 60 − 72। ठीक है, तो कितना बच गया है, 12। ठीक है, तो 12 बच गया ना, तो 12 एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, तो 12 कितने दिन में करेगा, तो 4 दिन। मतलब क्या हुआ कि काम को यदि 15 दिन में पूरा करना है ना, तो बी उस काम में 4 दिन बाद जुड़ा। ठीक है, आ गया, तो अपना कौन सा आंसर है, इज थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलौना 950 रुपये में बेचा जाता है और 1140 रुपये में, एक खिलौना 950 रुपये में तो खरीदा जाता है और 1140 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन, सबसे पहले तो लाभ निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 950 − 1140 कितने का अंतर है, ये तो इसका लाभ हो जाएगा, कितने का अंतर आ रहा है, 290 का 190 का 190। किस पे होगा, ये तो सीपी और ये एसपी है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, तो सीपी कितना है, 950 × 100 कितना हो गया, 0 × 0 = 95, 5 से 20% लाभ, मतलब डी इज राइट आंसर। ऐसे मत सोचना कि ये बिल्कुल लो लेवल का पेपर चल रहा है, नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा, और जब लास्ट का क्वेश्चन होगा वो देखना आप, तो ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि ऐसा नहीं आएगा पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर बनाने वाला हमेशा हर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है कि मतलब हर लगभग इतना तो पास हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए जिसमें 1780 और 2452 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। ठीक है, जब भी ये शेष वर वाली प्रमेय होती है ना, इनके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 1780 है और 2452 है, क्या बोल रहा है 4 शेष बचे, तो सबसे पहले तो इनमें 4 घटा दो, तो कितना हो गया 1776 और इसमें से 4 घटाए तो 2448। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, एलसीएम ले लो 1776 और 2448। अब देखिए 8 से घट रहा है, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 12 4 48। ठीक है, तो और दो, और कितने से, 2 से 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 से दो, 2 से दे दो, 6 से दे देते हैं, जो 3 से और 6 से दोनों, 2 से दोनों से चला जाएगा, 6 से दो दिखा, 6 3 18, 4 7 6 42। ठीक है, और इधर 7 4 28 और 6 5 30 और 6 2 12। अब देखिए इनमें से थोड़ी कौन बना रहा है, तो कितना हो गया 8 और 6 48 आ गए ना, 48 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों से डिजिबल है, तो कौन सी आ गई, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलना पांचवा क्वेश्चन है, यदि 8 व 24 का तीसरा अनुपात ए है और 4 व 16 का मध्य अनुपात बी है, तो ए बटे बी का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी अपन तीसरा अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, तीसरा अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। अब बी क्या है, 24 है, तो 24 × 24 बटे ए कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 3 24 24 3 72, ये तो क्या आ गया अपने पास, ए आ गया। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, जब मध्य अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट 2 और 16 का अंडर रूट 4, तो कितना आ गया 8। ठीक है, कि पूछ क्या रहा है अपने पास, ए बटे बी, ए क्या आया था 72 और बी क्या आया है 8, तो 8 × 72 कितना आ गया, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले। अब इसको, इस टाइप्स को अपन कैसे करेंगे, ए एक घंटे में 11 बेंचों की मरम्मत करता है और बी एक घंटे में 5 बेंचों की मरम्मत करता है। ठीक है, जब वे एक साथ काम करेंगे तो उन्हें 64 बेंचों की मरम्मत करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं एक घंटे में, ठीक है, और 64 बेंचों की मरम्मत में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। ठीक है, तो एक घंटे में ए कितनी करता है और प्लस एक घंटे में बी कितनी करता है। ठीक है, तो एक घंटे में ए कितनी करता है, 11 प्लस बी कितनी करता है, 5। ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आएगा इसका, भाई एक समय समान है ना इनका, 11 और 5 कितने हो गए, 11 प्लस 5 कितने हो गए, 16। 16 का ही मान कितना दे रखा है, टोटल घंटे कितने हो, टोटल काम कितना, बेंच कितनी हो गई 16, और 64 को कितनी देर में करेगा, 64 बटे 16 16 चौक 64, मतलब 4 घंटे, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, एक पंसारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ होगा, मतलब इनका कुल लाभ कितना होगा, 15% के लाभ पर बेचते हैं तो 100 है, तो लाभ कितना लेगा, 115। ठीक है, ऐसे ही बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो बाजार में 100 है तो इसमें 80 और 100। ठीक है भाई, 100 था तो 80 का यूज कर रहे हैं, तो 100 से 100 कट गया,
अब 5 से काट दो, 16 पंजो 80, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 16 रेशो 23 हो गए, ठीक है। 16 सीपी और एसपी कितना हो गया, 23, ठीक है। कितने का प्रॉफिट, कितने का हुआ, 7 का, ठीक है। अब 7 का कितने पर हुआ है, 16 पे, सीपी कितना है, 16 × 100 कितना आ गया, 700/16, ठीक है। अब देखें, 16 × 64, 4 कितने बच गए, 6 0, 16 × 3 = 48, 43 कौन से में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 43.75, ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं, देखिए अब 9th क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या से एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रतिवर्ष 5,000 की दर से घटती है, क्या हो रही है, घट रही है, तो कितने बाद, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इस टाइप में, 50,000, ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 होती है ना। अब क्या बोल रहा है, घट रही है, तो इसमें से एक घटेगी तो कितनी हो जाएगी, 19/20, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 19/20 × 19/20। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 4 125 + 500। अब देखिए, 125 × 19 को 19 से किया तो 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, ठीक है। अब 125 को इससे मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट देखिए, 5 × 5 5, 5 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दो में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला गुणा कीजिए, 6 2 = 2, ठीक है, तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 125 × 5, 45,125, कौन से में है, 45,125, डी इज राइट आंसर। चलते हैं, एक व्यक्ति 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है, यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अपन को ये तो पता है कि अपन को छूट हमेशा विक्रय मूल्य पे दी जाती है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य पे छूट, विक्रय मूल्य की एमआरपी पर छूट दी जाती है, और इसके बाद छूट देने के बाद जो रेट होती है वही उसका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो एमआरपी कितना है इसके अंदर, 11,000, ठीक है, छूट कितनी दे रहा है, 18% छूट दे दिया, तो कितनी बच गई उसके पास, 82/100 × 20% छूट दे दी तो 80/100। अब देखिए, ऑप्शंस नहीं लिखे क्या, देखिए, ए 6 9 2 3, देखिए अब ये तो अपने पास, अब इनकी छूट दे दी तो कितने बच गए, 82 और 80। अब देखिए, काट दो इनको, 4 0 से 4 0 कट गई, ठीक है। अब बच गया क्या अपने पास, 82 और 8 × 11, तो 11 8 88 88 × 82, ठीक है, क्या आएगा, 8 × 2 = 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो देखिए यूनिट डिजिट 6 इसमें है ऑप्शन, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 2, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलिए आगे, 11वां क्वेश्चन है, एक महिला 75 किलोमीटर/आवर की गति से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी कार से तुरंत 100 किलोमीटर/आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाती है, मतलब जहाँ से कार चली वहाँ 75 किलोमीटर आई, फिर वापस दोबारा जा रही है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की
गति से जा रही है, तो औसत गति क्या होगी? तो औसत गति कैसे निकालते हैं अपन? औसत गति क्या होगी? 2 इंटू फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, जब असमान दिशा में जा रही हो तो, ठीक है, और समान दिशा में जा रही हो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? S1 स्पीड कितनी है? 75। और S2 स्पीड कितनी है? 100। कितना आ गया? 175। ठीक है, अब काटिए इसको, 25 चौक 100, 25 अंत्या 175। अब देखिए क्या आ गया, 75 दूनी 150 और 150 चौक 600 बटे 7। तो कितना कटेगा? 7 8 56 बच गए 4 0 7 5 35। 85 कौन से में आ रहे हैं? 85 5 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 12 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात अपन कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर अपॉन तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी कौन सा है? 0.12 और ए कौन सा है? 0.1। तो बी स्क्वायर 0.12 इंटू 0.12 अपॉन क्या होगा? 0.1। अब देखिए ऊपर कितने पॉइंटों के बाद है? 2 और 2 4 के बाद है ना, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 और ऊपर 1, ऊपर 1 0। ठीक है, अब काट दो इसको, 0 से 0 कट गया। 12 को ये तो हट गए, 12 को 12 से किया तो 144। 2 के बाद पॉइंट लगाना है अपन को, तो 2 के बाद 1.44। सॉरी 4 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.144। कितना आ गया? डी आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीता किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं और गीता उसी काम को 21 दिन में कर सकती हैं। रीता व गीता एक साथ समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगी? दो अलग अलग हैं, कौन कौन? एक तो रीता है और एक गीता है। ठीक है, अब देखिए रीता कितने दिन में कर रही है? 14 दिन में, और गीता 21 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 14 और 21 42, 14 3 42, 21 2 42। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3 प्लस 2 कर रही हैं, 1 दिन में 5 कर रही हैं, तो 42 कितने दिन में करेंगी? 5 8 40, 2 बच गए 0 5 चौक 20, 8.4 दिन। कौन सा है? बी इज राइट आंसर। चलें, देखिए दो एथलेटिक्स हैं ए और बी। ए की आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड के चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? इसके ऑप्शंस हैं 15 3 1 और D है 5। ये बिंदु हैं, ठीक है, कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? अब देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए। ठीक है, ये एक ट्रैक है जिसकी लेंथ है 1800 मीटर। अब देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, एक दौड़ रहे हैं 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और दूसरा दौड़ रहे हैं
6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो इनकी टाइम निकालना है अपन। इनका टाइम क्या होता है, डी अपॉन एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 1800 और स्पीड कितनी है, जब अलग अलग दौड़ रहे हैं तो उनकी योग आएगा 9 और 6 15, तो कितना आ गया, 15 एकम 15 15 दूनी 30, 120 सेकंड आ गई, ठीक है। अब वो दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोबारा मिलेंगे, ठीक है, दोबारा कब मिलेंगे, एक बार तो 1800 9 की स्पीड और एक 1800 6 की, तो कितने सेकंड बाद मिलेंगे वो अलग अलग, 9 दूनी 18 200 और 300, ठीक है, 200 सेकंड और 300 सेकंड बाद वो अलग अलग मिलेंगे। कितना आ गया 600 और अपन को टाइम कितना मिला था 1200, तो 600 बटे 120 काट दो, 12 पंजू 60, मतलब पांच बिंदुओं पर डी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए 17 क्वेश्चन है अपना, 5000 रुपये के MRP के एक दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है, 2100 रुपये में वह कितने पतलून खरीद सकता है, ठीक है। तो क्या आएगा, 5000 रुपये उसके पास, ठीक है, 5000 एक दर्जन में कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। अब इन पर कितनी छूट दे रहा है, 16%, तो कितना आएगा 84 बटे 100, ठीक है, आगे समझ में, तो काट दो इसको, 0 से 0 12 संते 84 7 5 35, मतलब एक पतलून कितने रुपए में, 350 रुपए में, ठीक है। अब उसके पास 2100 रुपए हैं, तो 2100 में एक यदि 350 का खरीद रही है, तो 2100 कितने में खरीदेगी, तो क्या करेंगे, 2100 बटे 350, तो कितना आ गया, 35 का 210, 6 पतलून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मीटर है, तो बेलन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, ठीक है, और आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 220, मतलब क्षेत्रफल की वैल्यू 220 दे रखी है, और 2 × 22/7, ठीक है, और व्यास दे रखा है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है, तो कितना हो गया, 14/2, r = 7, ठीक है, 7 × h, अपन को h पता करनी है, ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 22 ढाई 220 2 से 5, ठीक है, h कितना आ गया अपने पास, हाइट कितनी आ गई, 5 आ गई ना। अब इसका बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन आयतन, आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। आप देखिए अपने पास r है और h है, क्या होगा, 22/7 × 7 × h कितना है, 5, 0 से 0, 35 × 22 22 × 35 क्या आएगा, 35 × 70 7 35 × 7 770, कौन सा है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो कमी प्रतिशत बताओ, 200 से घटाकर कितना किया जा रहा है, 150, तो कितने की कमी की जा रही है, 50 की, कितने से, 200 से इंटू 100, 0 2 से 25%, 25% कौन सा है, बी, ठीक है, ए,
अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये कोई पूर्णांक है n, ठीक है, भाग अपन ऐसे ही तो देते हैं, ठीक है, इसको n को 6 से विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5, ये इसका शेषफल। शेषफल कब प्राप्त होता है, जब अपन को भाई ये दोनों जुड़ेंगे तो ये संख्या निकलेगी, तो n कितनी आ गई अपने पास, 6 + 5 = 11, ठीक है। अब देखें यदि 9n से 9n, तो n कितना है, n कितना निकला अपने पास, 11, तो 9n बराबर 11 इंटू 9 तो कितना हो गया, 99, ठीक है। 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, अब 99 आ गया तो 99 को 6 से विभाजित करो तो क्या आएगा शेषफल, 6 × 6 = 3, 9 × 6 = 36, कितना आ गया, 3 शेषफल, ए इज राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का अपना लक्ष्य सीरीज का 4th मॉक टेस्ट समाप्त हुआ, उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ओनली एग्जाम के आधार पे ही ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इसी के लिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट 5 के साथ। इसी के लिए साथ बेस्ट ऑफ लक।